इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सेंट जॉन्स कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल गनापुर बल्दीराय सुल्तानपुर। इस बुलेटिन के सह प्रायोजक हैं श्रद्धा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हलियापुर रोड पारा चौराहा सुल्तानपुर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक नामांकन स्थल से 200 मीटर में सिर्फ प्रत्याशी, प्रस्तावक और एक सहायक को जाना होगा। साथ ही नामांकन स्थल पर पास धारा 144 को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ अदालत ने पंजाब सरकार को मुख्तार अंसारी को यूपी भेजने का आदेश दिया है। वहीं पंजाब सरकार ने अंसारी को यूपी भेजने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा। अब प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट तय करेगी कि मुख्तार को किस जेल में रखेगा। किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद के समर्थन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में तिकोनिया पार्क में धरना दिया गया। समिति संयोजक शारदा प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार सारे सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचती जा रही है। देश के किसान एकजुट होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं और अपनी आखिरी सांस तक किसान ये लड़ाई लड़ी जाएगी। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बेहतर पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को जताया आभार। पत्रकारिता के चौथे स्तंभ के रूप में है चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी। सुल्तानपुर रेल कॉलोनी में सफाई न होने से लामबंद हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारी। जंक्शन स्थित शाखा कार्यालय के सामने सहायक मंडल अभियंता के खिलाफ रेल प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। नारे लगाने सकते में आए अफसर। मंडल रेल प्रबंधक ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की रखी मांग। सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के भटवारा प्लांट के निकट अनियंत्रित बुलेरो ने साइकिल सवार युवक को रौंदा। थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से गांव में मचा कोहराम। अमेठी में सिंहपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन। खंड विकास अधिकारी प्रीति वर्मा की अगुवाई में 30 जोड़े सिंहपुर और 9 जोड़ा तिलोई ब्लॉक के विवाह हुए संपन्न। सभी जोड़ों को शासन की मनसानुरूप दिया गया उपहार। अमेठी में एसडीएम सुनील त्रिवेदी ने सीओ शुक्ल बाजार अस्पताल के चेहरी दीवारी के सामने लगे अतिक्रमण को हटाया। कई गुमटी को तोड़ा गया। अमेठी के कमरौली थाना क्षेत्र में सिंदुरवा रेलवे क्रॉसिंग फाटक को स्थायी रूप से बंद कराने आए रेलवे अधिकारियों का सिंदुरवा सहित आसपास के ग्रामीणों ने जताया विरोध। अधिकारी ने क्रॉसिंग बंद न करने के लिए आदेश करवाने के लिए दिया 3 दिन का समय। आसमान छू रहे खाद के दाम। डीजल पेट्रोल और कृषि बिल को लेकर अमेठी में सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जय सिंह प्रताप यादव के नेतृत्व में कड़ेरा गांव में किसानों के साथ किया जमकर विरोध प्रदर्शन। सरकार को बताया किसान विरोधी। अमेठी के मुसाफिर खाना में होली के मद्देनजर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर बस अड्डे पर बांटी चीनी। ग्राहकों का जमावड़ा देख पुलिस प्रशासन ने हटवाए स्टॉल। कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के चुनावी वादे की दिलाई याद। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदेश सचिव हनुमंत विश्वकर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा, पवन तिवारी और विकास यादव को किया गिरफ्तार। बलरामपुर के जिला पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 34 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न हुआ। विधायक ने विवाहित जोड़ों को सुखी दांपत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। विधायक जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह का संपूर्ण खर्च सरकार उठा रही है। इस अवसर पर ब्रजेंद्र तिवारी, डीपी सिंह व जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर के आजमगढ़ जिले के निवासी की पुलिस कस्टडी में मौत की सूचना पर मचा हड़कंप। किसी मुकदमे के मामले में पूछताछ के लिए आई थी एसओजी टीम। जैतपुर थाना क्षेत्र के धारा 307 में वांछित अपराधी का दोस्त है मृतक। कन्नौज के इंद्ररढ़ थाना क्षेत्र से लापता युवक का अभी तक सुराग नहीं लग सका है। वहीं परेशान पिता ने बेटे की जानकारी देने वाले को इनाम देने की बात कही है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। छिबरामऊ के भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष ओमकार शाक्य की पत्नी प्रिया शाक्य बनी जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी। कहा, मैं नेता तो अभी थी नहीं, सेवक थी और रहूंगी। बुलंदशहर के कोतवाली क्षेत्र के बहलीमपुरा में लड़की से छेड़छाड़ करने पर स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चालक की सड़क पर की जमकर पिटाई। ई रिक्शा चालक और उसका साथी युवती से मांग रहे थे मोबाइल नंबर। युवती की शिकायत पर हुई पिटाई।
बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में अनियंत्रित वाहन ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। काकोड़ थाने में पैरोकार के पद पर तैनात पुलिसकर्मी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। सूचना मिलते ही सीओ सिटी कोतवाली नगर प्रभारी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि और सलामी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में श्रीदेवी रक्षपाल आदेश इंटर कॉलेज में विद्यालय वेलफेयर एसोसिएशन की मानसिक बैठक हुई। बैठक में आए खुर्जा और अनरिया क्षेत्र के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों ने अपने अपने विचार रखे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।